वेलकम सर, आपके नए यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हम लोग पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रतिबिंब किसे कहते हैं, और आज हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण बोले तो स्फेरिकल मिरर। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये वाला आज की वीडियो में मिल जाएगा, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली एक कांच का क्या होता है, पारदर्शी गोला होता है, उसमें से एक कोई छोटा सा पार्ट काट लेते हैं, कोई छोटा सा पार्ट यहाँ से काट लेते हैं, और जब इसको हम काटेंगे तो हमको कुछ इस टाइप का मिल जाएगा ना, ऐसे ऐसे मिलेगा ना। अब इसको हम अगर बाहर की तरफ पॉलिश कर देंगे तो ये इधर से क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा ना। अगर इसको हमने इधर से काटा और इसको अंदर की तरफ पॉलिश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बाहर की तरफ से हमको रिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, तो इसके एक पृष्ठ को हम क्या करते हैं, पॉलिश या कलई करके इसको फिर हम परावर्तक सतह के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है, दर्पण जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। अगर यहाँ पे हम दर्पण की बात करें तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण जिसको बोलते हैं प्लेन मिरर, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर, इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, फर्दर यहां पे जो स्फेरिकल मिरर होता है वो दो प्रकार का होता है, स्फेरिकल मिरर दो प्रकार का होता है, पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। ठीक है, ये क्या होता है अवतल दर्पण, एक दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल को बोलते हैं कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो दर्पण अगर हम पूछें कि दर्पण क्या होता है तो यहां पे सीधी से एक लाइन में वह पृष्ठ जो परावर्तक सतह के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे दर्पण कहते हैं, वह तल जिसे परावर्तक सतह के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे दर्पण कहते हैं। जैसे यहां पे एक क्या है पृष्ठ है और हमने इसको एक पीछे से क्या कर दिया, पॉलिश, पॉलिश या फिर क्या बोलते हैं लेप लगा दिया। ठीक है, लेप लगाने के लिए यहां पे दो पदार्थ का यूज किया जाता है, सबसे पहले क्या करते हैं इस पे एच जी मीन्स पारा और एजी, एजी मीन्स क्या होता है चांदी, ओजी मत लिख देना, एजी बोल रहे हैं। ठीक है, यहां पे चांदी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके यहां पे बताएंगे कि एजी और एच जी को हम और किस नाम से जानते हैं। यहां पे ये तो हिंदी नाम हो गया पारा और चांदी, लेकिन इसको अगर लैटिन नाम से हम पूछें तो एच जी और एजी को क्या बोलते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, एजी और जो एच जी होते हैं यानी कि चांदी और पारा, इसका क्या करते हैं पहले लेप लगा देते हैं, उसके बाद फिर बाहर इसके ऊपर से क्या करते हैं लाल ऑक्साइड, क्या लाल ऑक्साइड की परत चढ़ा देते हैं। लाल ऑक्साइड को और आयरन ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और ये होता है Fe2O3। ठीक है, इसको फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको इरेज करके हम एक एक करके चलिए कवर करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे दर्पण किसे कहते हैं, वह वस्तु जिसके एक तल को, जिसके एक तल को पॉलिश करके, दूसरे तल को परावर्तक पृष्ठ के रूप में प्रयोग किया जाता है, परावर्तक पृष्ठ के रूप में प्रयोग किया जाता है,
उसे दर्पण कहते हैं, इसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया कि दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। थोड़ा यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है, एक बल्ब जल रहा है दूसरा नहीं जल रहा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ शैडो आ रहा है। ठीक है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या है, पहले को बोलेंगे समतल दर्पण, ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा गोलीय दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। सर वो क्या है? कौन सा? समतल दर्पण को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी, किसको बोलते हैं, प्लेन मिरर, दर्पण को मिरर, ठीक है, और इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो आपको अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो आपको बिना हेजिटेशन के कोई आपसे पूछ ले कि समतल दर्पण मीन्स प्लेन मिरर क्या होता है, तो आपको बताना जो समतल दर्पण होता है कि कोई एक यहाँ पे ऐसे कोई समतल क्या लेते हैं, कांच का टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, समतल कांच लेते हैं और उसके एक साइड पे हम क्या करते हैं, पॉलिश या लेप लगाकर दूसरे सतह को चमकदार या फिर दूसरे सतह को परावर्तक के रूप में यूज करते हैं, तो वही जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, तो यहां पे चलिए लिख लेते हैं, ये हमारा है समतल दर्पण, समतल दर्पण, देखिए ये किसी समतल कांच के टुकड़े के एक पृष्ठ को पॉलिश करके या लेप लगाकर दूसरे तल को परावर्तक पृष्ठ के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसको समतल दर्पण कहते हैं कि एक कोई समतल कांच का टुकड़ा हो और उसके एक पृष्ठ पे पॉलिश कर दें और फिर दूसरा जो उसका पृष्ठ है उसको परावर्तक सतह के रूप में प्रयोग करें, तो वो जो युक्ति होगी या जो कांच का टुकड़ा होगा वो दर्पण कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं कि गोलीय दर्पण, यहां पे गोलीय दर्पण बोले तो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये क्या होता है, ये किसी खोखले कांच के गोले का भाग होता है, ये किसी कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक तल अथवा पृष्ठ को पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक सतह के रूप में क्या, परावर्तक सतह के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, उसे
गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या हो गया, ये कांच का गोला था, हमने क्या किया, इसमें छोटा सा टुकड़ा इधर से काटा, छोटा सा टुकड़ा इधर से काटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इधर से काटा, इसके इधर हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया, तो ये यहाँ से किरण आई और ऐसे चली गई। तो देखिए ये क्या है, ये परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह है, और इधर पीछे जो क्या किया, पॉलिश कर दिया। इधर से मैंने काटा था, ये ऐसे निकला, हमने इसके बाहर क्या किया, इधर पॉलिश कर दिया और इधर ऐसे किरण आई, ठीक है, और हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये परावर्तक सतह है, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, ये परावर्तक सतह हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक मैंने बताया अवतल, दूसरा उत्तल, ठीक है। एक क्या, एक अवतल, दूसरा उत्तल, ठीक है। तो चलिए यहां पे सबसे पहले हम जानते हैं अवतल, पहला क्या है, अवतल दर्पण, मीन्स कॉनकेव मिरर। ध्यान से सुनना है, ये मिरर है, लेंस नहीं है, दर्पण है, लेंस नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करें, यहां पे ये जो है कांच का एक खोखला गोला था, हमने उसमें से एक छोटा सा पार्ट निकाला, ये इधर से, इसको उसके बाद बाकी आगे का हटा दिया, ठीक, और इसके उभरे हुए तल पे हमने पॉलिश कर दिया, ठीक। इधर क्या किया, इधर पॉलिश किया, और ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया। तो देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, जिस ये जो खोखला गोला होता है उसमें से हम काटते हैं एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक उभरा भाग होगा, एक उभरा भाग, और यहाँ पे धसा तल, धार्मिक तल, उभरा पृष्ठ, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे खोखले गोले यदि दर्पण के उभरे पृष्ठ, अवतल दर्पण यदि दर्पण के उभरे पृष्ठ पर, देखिए उभरा वाला पृष्ठ है उधर ना, उभरे पृष्ठ पर पॉलिश करके या लेप लगाकर, धसे हुए तल को परावर्तक पृष्ठ के रूप में, परावर्तक पृष्ठ के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार के दर्पण को, इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अभी प्रतिबिंब बनने के आधार पे भी एक बताएंगे कि अगर प्रतिबिंब हो तो उसके आधार पे हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आता है उत्तल दर्पण। यहां पे हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण, इधर पॉलिश या फिर लेप लगा दिया, ये क्या है, ये परावर्तक सतह, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे यदि दर्पण के, यदि दर्पण के, यदि दर्पण के धसे हुए भाग पर
पॉलिश करके उभरे हुए भाग को प्रावर्तक तल के रूप में प्रयोग किया जाए तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।